हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये हमारा पार्ट 9 ऑफ चैप्टर 11 एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट का सी एंटर ऑडिट का। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी। होप इसके पहले के 8 पार्ट्स जो है वो आपने देख लिए होंगे, क्योंकि अगर वो 8वां पार्ट अगर आपने अच्छे से देख लिया है या फिर ये केस स्टडी के पहले का पूरा ही मॉड्यूल अगर आपने पढ़ लिया है तो ये केस स्टडी जो है वो समझने में आपके लिए ईजी होगा। तो चलिए अब समझते हैं केस स्टडी जो दिया है आपको पेज नंबर 11.35 पर। Das & Company, a firm of auditors, is offered appointment as auditor of a company, a prospective new client. CA Sukanya, one of partners, is dealing with new client. ये जो Das & Company है वो auditor firm है, right? उनको एक new client मिलता है, उसमें CA Sukanya है, वो partner है जो वो इस client को deal करने वाले हैं, मतलब कि वो engagement partner बनेंगे। While meeting with officers of the company, she comes to know that Sushant, CFO of the company, was her classmate. वो जो new client है उनके साथ जब वो discuss करते हैं तब पता चलता है कि उसमें उस company में जो CFO है सुशांत, right, वो उनका classmate था। In fact, both of them has started CA together. However, Sushant had left CA midway due to repeated failures and tried his luck to pursue MBA finance from one of the leading institute. बट उनका प्यार शायद अधूरा ही रह गया और वो जो सुशांत था उन्होंने सीए छोड़ दिया क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगे थे और उन्होंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, राइट। चलिए, ड्यूरिंग द इनिशियल डिस्कशन इट ट्रांसपायर्स दैट द कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च न्यू सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ वेदर फोरकास्टिंग। सच सर्विसेज वुड बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ कंपनी एंड माइक्रो वेदर इन्फॉर्मेशन वुड बी अवेलेबल ऑन पेमेंट ऑफ चार्जेस। The company requests audit firm to be visibly associated with their marketing leads. जो कंपनी है वो एक न्यू सर्विस लॉन्च करने वाली है वेदर फोरकास्टिंग, जो माइक्रो वेदर इंफॉर्मेशन देंगे अगर चार्जेस पे करेंगे तो, और ये अपनी वेबसाइट पर लॉन्च करने वाले हैं। और ये जो न्यू सर्विसेज के लिए कंपनी है वो ऑडिट फर्म को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़े एसोसिएट हो और मार्केटिंग ब्लिट्स, मतलब मार्केटिंग का जो कैंपेन वगैरह रहेगा उसमें वो जो ऑडिटर फर्म है उनका भी नाम उनके साथ जुड़ा जाएगा, मतलब वो प्रमोट कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा। जो ऑडिट फर्म है वो न्यू क्लाइंट जो मिलने वाला है उनकी ये सर्विसेज है वो प्रमोट कर रहा है ऐसा दिखाना है। अज्यूम दैट फर्म चूजेस टू एक्सेप्ट द ऑफर एंड राइट्स टू प्रीवियस ऑडिटर Walker and Company to advise whether there exist any professional reasons for them not to accept the proposed offer. However, Walker and Company do not reply to the request of Das and Company. जो Das and Company है जो अभी newly appoint होने वाला है इस audit के लिए, वो जो previous auditor थे इस company का Walker and Company, उनको एक response के लिए उनको एक reasons पूछती है, उनको एक letter, एक communication भेजते हैं। ये हमारे ICSEI ने ये कंपलसरी किया है कि प्रीवियस ऑडिटर के साथ एक बार कम्युनिकेशन करना चाहिए बिफोर एक्सेप्टिंग एनी क्लाइंट, ताकि अगर उनका कुछ रीजन हो कि उन्होंने क्यों छोड़ा है वो पता चले, या फिर कोई ऑब्जेक्शन हो तो हमें पता चले, राइट। ये कंपलसरी है बाय ICAI, बट वो करेंट कंपनी है वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। ड्यूरिंग प्रिलिमिनरी डिस्कशन इट ऑल्सो बिकम्स नोन दैट द सेड कंपनी हैज एक्वायर्ड ऑल शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। अंडर रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ कंपनीज नीडेड टू बी कंसोलिडेटेड एंड ऑडिटेड। फिर पता भी ऐसा भी चलता है कि ये कंपनी ने दूसरी एक कंपनी को एक्वायर किया हुआ है और एज पर लॉ उन दोनों का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रिपेयर होने चाहिए और उनका ऑडिट भी होना चाहिए। Despite this knowledge, Das and Company failed to advise their client regarding audit of consolidated financial statements. But यहाँ पर Das and Company है वो fail होती है और वो बता नहीं पाते हैं कि ये consolidated financial statements का भी audit होना चाहिए। The company also offers auditor to contract for providing IT services pertaining to information system of company. Plus वो जो company है वो audit firm है उनको IT services के लिए भी offer करते हैं, जो उनके information system होगी उनके लिए भी वो offer करते हैं। राइट, तो ये केस स्टडी दिया हुआ है, उनके बेसिस पर हमें नीचे क्वेश्चंस दिए हैं तो वो समझते हैं, वो देखते हैं। कंसीडरिंग डिस्कशन अबाउट सुकन्या एंड सुशांत, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट से मोस्ट अप्रोप्रिएट। जो सुकन्या है जो एंगेजमेंट पार्टनर है और सुशांत है जो क्लाइंट में क्लाइंट कंपनी जो है उसमें CFO है, उन दोनों के डिस्कशन के बेसिस पर आपको यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लगता है। तब वो डिस्कशन इज इररिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोज्ड ऑफर, क्योंकि दोनों ही फ्रेंड्स थे और उन दोनों के बीच जो डिस्कशन हुआ फॉर द एंगेजमेंट ऑडिट एंगेजमेंट, राइट, तो वो डिस्कशन इररिलेवेंट है, उसे हमें प्रपोज्ड ऑफर के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। बी द प्रपोज्ड ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड बाय फर्म द एंगेजमेंट टीम मे बी हेडेड बाय सीए सुकन्या फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड रिजल्ट।
ऑडिट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और सीए सुकन्या को ही एंगेजमेंट पार्टनर बनाना चाहिए, हेड बनाना चाहिए, ताकि कोऑर्डिनेशन और रिजल्ट्स है वो अच्छे रहे, क्योंकि दोनों ही लोग जानते हैं एक दूसरे को। इसीलिए द प्रपोज्ड ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड बाय फर्म, द एंगेजमेंट टीम मे बी हेडेड बाय डिफरेंट पार्टनर ऑफ द फर्म। यहां पर एंगेजमेंट पार्टनर है वो सीए सुकन्या को नहीं बनाना चाहिए, किसी और को बनाना चाहिए ताकि इंडिपेंडेंस रहे, राइट, थ्रेट नहीं रहेगा, फेमिलियरिटी थ्रेट आएगा अदरवाइज, क्योंकि सीए सुकन्या और जो सुशांत है वो दूसरे एक दूसरे को पहले से जानते हैं, फ्रेंड्स है, तो शायद वहां पर फेमिलियरिटी थ्रेट आ सकता है, इंडिपेंडेंटली वर्क ना कर पाए, तो इसीलिए दूसरे पार्टनर को ये हेड करना चाहिए, ऐसा ऑप्शन सी बता रहे हैं। एंड डी द मैटर इज टू ट्रैवल टू बी रिपोर्टेड बाय सीए सुकन्या टू अदर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, और ये चीज है वो सीए सुकन्या को अदर पार्टनर्स को बतानी चाहिए। यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आएगा आंसर सी। यहाँ पर ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वो लीगली इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हमें फेमिलियरिटी थ्रेट अगर लगता है तो हमें उसके लिए सेफगार्ड्स लाने चाहिए। कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर इंडिपेंडेंस मेंटेन नहीं हो पाएगी तो वो चीज़ हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर वो जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो और कोई होना चाहिए अदर देन सीए सुकन्या। सिंपल, चलिए। सेकेंड क्वेश्चन है, कीपिंग इन व्यू रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी to be visibly associated with company's new service, identify which type of threat is being faced by audit firm. audit firm hai wo unke jo new services hai jo mark weather forecasting wale the, to wo weather forecasting ke marketing blitz mein ca firm jo hai unko bhi kaha hai ki aap associate ho, right? to yahan par kaun sa threat hai wo aayega, self interest threat में मतलब कि जो audit firm है, auditor है, उनका financial interest हो सकता है directly indirectly, right? familiarity threat, close relation हो सकता है, काफी time से long association हो उस वजह से familiarity threat हो सकता है, self review threat, खुद ही जो कोई चीज किया है, खुद ही perform की हुई service is a subject matter of audit हो सकता है, या फिर advocacy threat, it's like an advocate of the क्लाइंट, वो जो क्लाइंट की चीज है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा सभी लोगों को बताया जाएगा, तो यहाँ पर आएगा एडवोकेसी थ्रेट, क्योंकि वो जो फर्म जो क्लाइंट है उनकी कंपनी की जो सर्विसेज है उनको प्रमोट कर रहे हैं, तो वहां पर एडवोकेसी थ्रेट लगेगा। सामने वाली जो थर्ड पार्टी है मतलब इन जनरल पब्लिक है, उनको ऐसा लगेगा कि वो जो इंफॉर्मेशन है, जो मार्केटिंग है या फिर जो भी सर्विसेज है उनको ऑडिटर है वो प्रमोट कर रहा है, तो वो एडवोकेसी थ्रेट लगेगा, उनको इंडिपेंडेंस इन अपियरेंस नहीं दिखेगी, ऐसा लगेगा कि जो ऑडिटर है वो क्लाइंट का ही इंडिपेंडेंट, वो दोनों की इंडिपेंडेंस है वो जज नहीं कर पाएंगे, राइट, वो दोनों ही इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं लगेगा, तो वो एडवोकेसी थ्रेट आएगा। और जो फिफ्थ थ्रेट जो रह गया है उसे भी याद कर लेते हैं, इंटिमिडेशन थ्रेट, क्लाइंट है वो इंटिमिडेट कर सकता है, धमकी दे सकता है, राइट, तो ये पांच थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। चलिए, द प्रीवियस ऑडिटर वॉकर एंड कंपनी हैव नॉट रिप्लाइड टू कम्युनिकेशन ऑफ दास एंड कंपनी, व्हिच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इज नॉट फॉलोड बाय देम। यहाँ पर जो वॉकर एंड कंपनी जो प्रीवियस ऑडिटर थे उन्होंने दास एंड कंपनी का जो कम्युनिकेशन था उनका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है, यहाँ पर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स थे वो कौन सा यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया है वो हमें बताना है। ऑब्जेक्टिविटी जो था प्रिंसिपल उसमें क्या था कि जो ऑडिटर है उनको अपना ऑब्जेक्टिव जो है रीजनेबल एश्योरेंस देना, इंडिपेंडेंटली ओपिनियन देना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है ड्यू टू बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, राइट। प्रोफेशनल बिहेवियर था, प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब कि आपको जो भी प्रोफेशन के हिसाब से जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, लीगल रिक्वायरमेंट है, उनके हिसाब से ही काम करना है, प्रोफेशन की कोई भी डिस्क्रेडिट हो ऐसा कुछ भी काम नहीं करना है। थर्ड, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, जो भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उनको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट होने चाहिए, सारे ही जो अपडेटेड लॉ रेगुलेशन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है, उन सभी के बारे में पता होना चाहिए और केयरफुली काम करना रहेगा, डिलीजेंटली उनको काम करना रहेगा। एंड इंटीग्रिटी, ऑडिटर है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट है, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट रहना है, जो भी चीज सही है उनको ही सपोर्ट करेंगे, कोई भी ऐसे गलत चीज को वो सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट। एंड द लास्ट वन जो यहाँ प्रोफेशनल हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था वो था कॉन्फिडेंशियलिटी की, कुछ भी क्लाइंट की ऐसी इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, राइट। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो होगा प्रोफेशनल बिहेवियर, क्योंकि जो वॉकर एंड कंपनी है उन्होंने प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन नहीं किया है, लॉ रेगुलेशन ऐसे एक रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन
कम्युनिकेशन, जो न्यू ऑडिटर है उन्होंने जो कम्युनिकेशन किया था उनका रिस्पॉन्स देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने फुलफिल नहीं की है। तो यहाँ पर प्रोफेशनल बिहेवियर है वो मेंटेन नहीं किया गया है, राइट। देन दास एंड कंपनी हैव फेल्ड टू एडवाइज द कंपनी रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। विच फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इज वायलेटेड बाय दास एंड कंपनी। जो प्रोफेशनल एथिक्स के सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हमने अभी प्रीवियस एमसीक्यू में ही डिस्कस किए, राइट। तो यहाँ पर सीधा ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। तो यहाँ पर कौन सा वायलेट हो रहा है, यहाँ पर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, राइट। वो कॉम्पिटेंट नहीं है, जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी उस हिसाब से उन्होंने एडवाइज नहीं की, तो वो गलत चीज है, राइट। चलिए एंड लास्ट एमसीक्यू जो दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग ऑफर ऑफ वर्क ऑफ आईटी सर्विसेज बाय ऑडिटर्स टू द कंपनी। जो आईटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करने के लिए जो क्लाइंट ने ऑफर किया गया है, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही है। सच ऑफर मे क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट, खुद की चीज खुद को ही रिव्यू करने की आ सकती है। सच ऑफर मे क्रिएट एडवोकेसी थ्रेट, वो क्लाइंट की चीज को चैंपियन कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। सच ऑफर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी थ्रेट, कोई भी थ्रेट नहीं है इंडिपेंडेंस का। एंड सच ऑफर मे क्रिएट सेल्फ रिव्यू एंड एडवोकेसी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी आएगा और एडवोकेसी थ्रेट भी आएगा। यहाँ पर सही आंसर है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, यहाँ पर सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो उनको बनाकर देंगे या उसके लिए सपोर्ट करेंगे, उसी को उन्हें ऑडिट करना रहेगा। तो खुद की ही कोई एक परफॉर्म्ड सर्विस है, उनको ही वही ऑडिट मैटर, वही सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट बन जाएगा, तो वहां पर सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ सकता है, राइट। तो ये था केस स्टडी ऑफ चैप्टर 11, होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, राइट। नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, उसमें हम डिस्कस करेंगे टेस्ट योर नॉलेज, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।